गांव में एक स्वयं सेवा समूह चलाती थी। गांव में सभी महिलाएं उसका बहुत सम्मान करती थी क्योंकि वो बाकी महिलाओं के मुकाबले अधिक पढ़ी लिखी और समझदार थी। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद ममता के जीवन का एक और पक्ष था। ममता ने नजदीक के शहर के कॉलेज से बीए किया था और वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसकी शादी नितिन से तय कर दी। नितिन पेशे से एक सरकारी क्लर्क था और उसके परिवार का गांव में बहुत सम्मान था। विवाह के लिए 3 लाख रुपए का दहेज तय हुआ। ममता के पिता के लिए बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा था कि सौदा बुरा नहीं है। जैसे तैसे कर्ज लेकर ममता के पिता ने दहेज की रकम जमा की और ममता की शादी हो गई। नए घर में जाने के बाद ममता ने अपने पुराने सपनों को भुला दिया और उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। ममता के लिए घर के आंगन और घर के लोग दोनों ही अनजाने थे। इन सब के बावजूद ममता ने सोचा कि अब यही उसका घर है और उसके सास ससुर ही उसके माता पिता हैं। धीरे धीरे वक्त बीता गया और शादी के 2 महीने बाद ही उसके सास ससुर और उसके पति नितिन ने ममता के पिता से एक मोटरसाइकिल मांगनी शुरू कर दी। ममता के पिता रिटायर हो चुके थे और उनके पास मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि अपनी सारी पूंजी से भी वो एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते। इन सब के दौरान ममता को एक अलग परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उसके ससुराल वालों ने और उसके पति ने इन सब बातों को लेकर उसे बहुत ताने सुनाए। वो सोच रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या थी, लेकिन उसे सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता था। वक्त बीतता गया और शादी के 1.5 साल बाद ममता ने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद तो जैसे उसके ससुराल वालों ने सारी हदें पार कर दी। नितिन और उसके परिवार वालों को एक लड़का चाहिए था और ममता ने एक बेटी को जन्म दिया था। उसके ससुराल वाले इसके लिए पूरी तरह से ममता को जिम्मेदार मानते थे। वक्त फिर बीता और शादी के 3.5 वर्षों बाद ममता ने एक और बेटी को जन्म दिया। ऐसा होने के बाद ममता की सास ने उसे अस्पताल में ही बहुत खरी खोटी सुनाई। ममता के ससुराल वालों को ममता से शिकायत थी कि वो उनके परिवार को एक बेटा नहीं दे सकी। वक्त गुजरता जा रहा था और ममता समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसे हर रोज सजा मिल रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी गलती क्या है। धीरे धीरे हालात और बिगड़ते गए और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी ममता ने कभी उम्मीद नहीं की थी। उस दिन नितिन ने उस पर हाथ उठाया। साल गुजरते गए और फिर ताने और तमाचे दोनों रोज की बातें हो गई। ममता समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके ससुराल वालों का गांव में बहुत सम्मान था। वहां के लोकल पुलिस थाने के दरोगा का रोज उसके घर आना जाना था। वो डरती थी कि अगर उसने नितिन और उसके परिवार की शिकायत की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए ममता ने कुछ नहीं किया। कुछ वक्त और बीता, फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने की ममता के अंदर डर और गुस्सा दोनों भर गया। नितिन ने ममता के साथ साथ उसकी दोनों बेटियों पर भी हाथ उठाया। उस पूरी रात ममता बहुत रोई। ममता ने शायद अपने जीवन की किस्मत को स्वीकार कर लिया था। एक बार गांव में उसके स्वयं सेवा समूह की ट्रेनिंग के लिए 2 महिलाएं आई। वो महिलाएं दिल्ली में एक एनजीओ चलाती थी। उनसे बात करके ममता को बहुत अच्छा लगा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ममता ने उन्हें अपनी समस्या बताई। समस्या सुनने के बाद उन महिलाओं ने कहा कि ये सिर्फ ममता ये उसके गांव की नहीं है, यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी समस्या मौजूद है। उस दिन ममता को इस समस्या की गहराई का पता चला। उन्होंने बताया कि वो दिल्ली जाकर इस पर त्वरित कार्यवाही करेंगी और ममता की मदद करेंगी। इसके 3 दिन के बाद ममता के घर पर महिला पुलिस की टीम पहुंची और नितिन और उसके परिवार को हिरासत में लिया गया। बात अदालत तक पहुंची। अदालत में ममता अपनी दोनों बेटियों के साथ अकेली बैठी थी। यहाँ तक कि उसके मायके वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया। सुनवाई की 1 और 2 तारीख को कोर्ट ने पूरा मामला समझा। सुनवाई की तारीख को जब जज ने ममता को अपना पक्ष रखने के लिए कहा तो ममता ने दलील दी कि मुझे अपने पति से तलाक नहीं चाहिए, लेकिन मुझे घरेलू हिंसा भी नहीं चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने नितिन और उसके परिवार वालों को ये आदेश दिया कि वो गाँव में पंचायत कमेटी के सामने
ममता और उसकी दोनों बेटियों से सार्वजनिक माफी मांगी। साथ ही कोर्ट ने जोर देकर यह भी कहा कि भविष्य में यदि ऐसी कोई घटना होती है तो नितिन और उसके परिवार पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सजा के लिए जो दिन निर्धारित किया गया था उस दिन गांव के पंचायत भवन पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव ही वहां आ पहुंचा था। नितिन और उसके परिवार ने पूरे पंचायत कमेटी के सामने ममता से माफी मांगी और साथ ही भविष्य में उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं होगा इसका वादा भी किया। ये सब सुनकर ममता की आंखों में आंसू आ गए। सभा समाप्त हो गई और ममता अपने समूह के सदस्यों के साथ काम करने के लिए चली गई। वो शाम 7 बजे अपने घर लौटी। घर में सन्नाटा फैला हुआ था, बस उसकी बड़ी बेटी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो अपने होमवर्क में मिली दुष्यंत कुमार की कविता जोर जोर से याद कर रही थी। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कविता की लाइनें सुनकर ममता को अपने जीवन की सारी घटनाएं एक क्षण में याद आ गई। ममता ने शायद उस गांव में कुछ बदल दिया था, ये बात आगे आने वाली पीढ़ियां महसूस करेंगी।